हाय फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। आज की मेरी रेसिपी क्रंची पीनट बटर की है। चलिए तो बिना देर किए पीनट बटर की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। पीनट बटर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 400 ग्राम कच्ची पीनट्स ली हैं। पीनट्स आपको सभी ग्रोसरी स्टोर्स पर इजीली अवेलेबल हो जाएंगी। पीनट बटर बनाने के लिए पीनट्स को हमें रोस्ट करना है। इसके लिए मैंने एक पैन को गर्म कर लिया है। अब लो मीडियम फ्लेम पर पीनट्स को रोस्ट करेंगे। पीनट के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। सभी एज ग्रुप के लोगों के लिए पीनट्स बहुत ही न्यूट्रिशियस होती हैं। पीनट्स को रोस्ट करते हुए 6 मिनट हो चुके हैं। जब पीनट्स रोस्ट हो जाती हैं तो इनका कलर इसी तरह से थोड़ा सा डार्क हो जाता है। पीनट्स अच्छी तरह से रोस्ट हुई हैं या नहीं, इसके लिए आप इसके छिलके को हटाकर देख सकते हैं। जब पीनट्स अच्छी तरह से रोस्ट हो जाती हैं तो इसका छिलका बहुत ही इजीली हट जाता है। अब पीनट्स को थोड़ी देर तक ठंडा करने के बाद इन्हें एक किचन टॉवल पर ट्रांसफ़र करके इसके छिलके को हटाएंगे। किचन टॉवल से इस तरह से रब करके पीनट्स के छिलके को बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम टाइम में साफ़ किया जा सकता है। पीनट्स के छिलके को हमने हटा दिया है। अब इसे हम पीनट बटर बनाकर तैयार करेंगे। यदि आपके पास बिना छिलके वाली रोस्टेड पीनट्स हैं तो आपको पीनट बटर बनाने के लिए पीनट्स को रोस्ट करने का और इसके छिलके हटाने का यह प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा। पहले से रोस्ट की गई पीनट्स से आप सिर्फ एक मिनट में पीनट बटर बनाकर तैयार कर सकते हैं। रोस्टेड पीनट्स को मैंने ग्राइंड कर लिया है और ये देखिए, इसे मैंने बिल्कुल स्मूथ नहीं किया है क्योंकि यहाँ मैंने क्रंची पीनट बटर तैयार किया है। इसके लिए पीनट बटर में हल्का सा दाना रहना चाहिए। तो ये हमारा क्रंची पीनट बटर रेडी है। अब फ्लेवर के लिए मैं इसमें ऐड करूँगी आधा छोटा चम्मच नमक। बच्चों को थोड़ा मीठा फ्लेवर पसंद होता है, इसके लिए मैं इसमें एक बड़ा चम्मच शुगर ऐड करूँगी। शुगर की जगह पर आप इसमें हनी या फिर मिश्री भी ऐड कर सकते हैं। नमक और शुगर ऐड करने के बाद अब इस पीनट बटर को हम 5 से 10 सेकेंड के लिए और ग्राइंड करेंगे ताकि नमक और शुगर पीनट बटर के साथ अच्छे से मिक्स हो सके। क्रंची पीनट बटर रेडी हो चुका है और ये देखिए, मैंने इसे पूरी तरह से स्मूथ नहीं किया है, इसमें अभी भी हल्का सा क्रंच मेंटेन है। तो हमें इसे इसी तरह से रखना है। इसे हम बॉल में ट्रांसफ़र कर देते हैं और इसी तरह से बची हुई पीनट्स को भी ग्राइंड करेंगे। आप यदि पीनट बटर में कोई भी फ्लेवर ऐड नहीं करना चाहते हैं तो आप इसे ऐसे भी बना सकते हैं। और इसे प्रिजर्व करने के लिए आपको इसमें कोई भी प्रिजर्वेंट ऐड नहीं करना पड़ेगा। पीनट बटर रोस्टेड पीनट से बनता है, इसीलिए आप इसे लंबे समय के लिए किसी भी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया क्रंची पीनट बटर बनकर तैयार हो चुका है। आप इसे ब्रेड पर इस तरह से स्प्रेड करके बच्चों को सर्व कर सकते हैं। मार्केट में मिलने वाले महंगे क्रंची पीनट बटर को अब आप घर पर बहुत ही सस्ते दाम में और बहुत ही आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई कीजिए। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए।